दोस्तों Xiaomi 4 अक्टूबर को ग्लोबल मार्केट में अपने Redmi पैड को लॉन्च करने वाला है और ये पैड ऐसा बताया जा रहा है कि हमें इंडियन मार्केट में भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करूंगा Redmi पैड के बारे में कि आखिरकार इसके स्पेसिफिकेशन में क्या कुछ देखने को मिलने वाली है, इसकी प्राइसिंग इंडिया मार्केट में क्या कुछ होने वाली है, इंडियन मार्केट में आखिरकार ये कब तक लॉन्च होने वाला है। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी जानकारी देने वाला हूँ Redmi पैड से रिगार्डिंग, तो बस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट शेयर टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे यहाँ पे Redmi पैड के जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक 6.51 इंच का एक 2K वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ला कर दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सामने की तरफ जो यहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 8 मेगापिक्सल का होने वाला है। बैक की तरफ भी सिंगल कैमरा देखने को ही मिलेंगे जो कि 8 मेगापिक्सल का ही होगा। अब यहाँ पे जो आपको 8000mAh की बैटरी देखने को मिलेंगे, जी हाँ 8000mAh की बैटरी होगी जो कि C पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहाँ पे जो आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम प्रोसेसर की बात करें तो जिसमें बहुत पावरफुल चिपसेट यूज किया जाएगा, जी हाँ दोस्तों MediaTek की तरफ से Helio G99 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि नो डाउट एक पावरफुल चिपसेट है। एंड यहाँ पे अगर हम फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो ऐसा लीक निकल रही है कि इसमें जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मिसिंग होने वाला, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ ऐसा बताया जरा कि 3.5mm जैक हमें देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जो आपको सिम का स्लॉट देखने को मिलेगा या फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया गया, आई मीन कि LTE वर्जन होगा या फिर नहीं इसका अभी कुछ बाहर निकल कर नहीं आया, बट हाँ यहाँ पे SD कार्ड आप लगा सकते हैं, इसमें 1TB तक लगाकर एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड इसमें जो आपको क्वाड स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, एंड इस ये जो है आपको MIUI 13 पे देखने को मिलेगा, जो कि स्पेशली पैड के लिए कस्टमाइज किया जाएगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 12 पे रन करेगा। एंड इस टैब की जो थिकनेस है वो आपको देखने को मिलने वाली है 7.05mm, एंड इसका जो वेट है वो 445g का होने वाला है। तो ये रही कुछ मिला जुलाकर स्पेसिफिकेशन की कहानी जो भी बाहर निकल कर आई थी Redmi पैड से रिगार्डिंग। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसका लॉन्च के बारे में। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि 4 अक्टूबर को ये टैब जो है ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये टैब जो आपको और दिवाली के आसपास इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये टैब जो है under 20,000 के होने वाले हैं, और under 20,000 टैब आती है तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा खासा टैब हमें देखने को मिलेगा जो कि अच्छा खासा हमें वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगी। तो देखना यह है कि बस कब तक आती है और कितने प्राइसिंग पे आती है। रूमर्स है कि दिवाली के टाइम तक आएगा और under 20 के होने वाला, ये रूमर्स अभी निकल के आई हैं। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi पैड से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में। Till then, have a great day and always keep smiling. Bye-bye.